मेरे साथी अविनाश ने एक जोरदार बात कही कि जो वकील हैं प्रैक्टिस में नहीं आते, साल में एक बार उनको जरूर जाना चाहिए। लेकिन मेरा एक निवेदन है साहब, पूरे राजस्थान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से राजस्थान सरकार ने गुहार ही नहीं लगाई। हमारे नेता प्रतिपक्ष के शहर चूरू में भी सिर्फ 120 सीट हैं सर एलएलबी की, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए। पूरे राजस्थान में मेरा राजस्थान सरकार से आग्रह कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांग कर सीटें बढ़ाई जाए ताकि सरकारी कॉलेजों में तैयार होने वाले अधिवक्ता प्रैक्टिस में जाएं। अधिवक्ताओं के लिए जो मेरा निवेदन है, स्टाम्प शुल्क आपने बढ़ाया, लेकिन इस शुल्क के अंदर निश्चित हिस्सा होना चाहिए, चाहे 5 पैसे ही हो अधिवक्ता का, ताकि वो प्रैक्टिस इस इंटरेस्ट के साथ करे कि तेरे को लिटिगेशन से फीस अगर कम मिलेगी तो सालाना सरकार भी तेरे को कुछ देगी। सभापति महोदय, जिस तरीके से नया वकील जाकर के एडजस्ट 5 साल 7 साल लग जाते हैं उसको कि उसके खुद के पास कोई आदमी आए और खुद के पास आकर के उसको फीस दे, नहीं तो वो सीनियर के साथ मिलकर के प्रैक्टिस करता है। इस महंगाई के युग में कोई आदमी 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यू बिना फीस के लिए प्रैक्टिस करने जाएगा? मैं समझता हूँ प्रैक्टिस कम करेगा, दलाली ज़्यादा करेगा। और जिस तरीके के हालात बने हुए, अभी जिक्र कर रहे थे कि साहब बार और बैच के रिलेशन खराब हो जाते हैं और कहते हैं साहब उपखंड अधिकारी और वकील की जस्ट नहीं रही है। मैं समझता हूँ, मैं 1 साल प्रैक्टिस में गया हूँ सभापति महोदय, जो जूनियर वकील की हालत है वो हालत इतनी दयनीय होती है कि फीस तो सीनियर ले लेता है और जूनियर वकील फिर नीचे 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 मोटरसाइकिल के तेल के लिए या घर चलाने के लिए, या बहुत गरीब आदमी जो एलएलबी हजारों रुपए देकर के एलएलबी करके आए वो कैसे अपनी आजीविका करे? इस बात के लिए अधिवक्ता कल्याण में जरूर शामिल करनी चाहिए थी। ये बहुत जरूरी है कि एक जो फौज खड़ी हो रही है प्राइवेट कॉलेजों से, जो बहुत फीस दे करके आ रही है, उसके कल्याण के लिए सरकार को निश्चित तौर से सही कदम उठाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से राय करके सरकार अपना प्रतिवेदन भेज करके तुरंत प्रभाव से चूरू समेत, गंगानगर समेत राजस्थान के 15 राजकीय महाविद्यालयों में सीट बढ़ाए, ये मेरा निवेदन है। और मेरा ये निवेदन है कि बार और बैच के रिलेशन अच्छे हों ताकि जो दो जगह घटना हुई है राजस्थान में, सीकर में और गंगानगर में, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, बार बैच के रिलेशन अच्छे बढ़े, जिससे भविष्य में अधिवक्ता जो समाज का एक अच्छा वर्ग समझा जाता है वो वर्ग सरकार की अच्छी योजनाओं को लेकर के प्रचार प्रसार करें। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी मंत्री।